हम पढ़ रहे थे एक क्वेश्चन ऐसा था, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है वो, लेकिन वो लाइन कैसे परपेंडिकुलर टू दिस लाइन्स, यानी ये हमें चाहिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन्स, कौन सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है लेकिन परपेंडिकुलर इन लाइन्स के साथ। अब बताओ इन लाइन्स के साथ परपेंडिकुलर है ना, तो फिर आप कैसे करेंगे, पहले एक काम करो इनका ज्वाइंट इक्वेशन पर लिख दो, लिख दिया, कंपेयर करके ए स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ए की वैल्यू कितनी हुई जीरो, एक्स वाई के साथ टू एच, टू एच कितना है वन, इसकी वैल्यू वन बाय टू, बी कितना है वन, फिर क्या करो इनके स्लोप हम क्या लेंगे एम वन और एम टू, लेट एम वन एम टू बी द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स है ना, इनके स्लोप क्या लेंगे एम वन और एम टू, फिर बताओ एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच बाई बी, माइनस टू एच की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी है वन, कितना आंसर है माइनस वन, और एम वन एम टू का फॉर्मूला क्या है ए बाई बी, ए कितना है जीरो, बी कितना है वन, कितना है जीरो। अब बताओ रिक्वायर्ड लाइन्स गिवन लाइन्स को कैसी है परपेंडिकुलर, तो फिर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स क्या होंगे, गिवन लाइन्स के स्लोप हमने कौन से लिए एम वन और एम टू, तो रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो उल्टा करना पड़ेगा तो वन बार एम वन, लेकिन साइन भी तो चेंज कर रहा है ना, ठीक है ना, उल्टा करना पड़ेगा एम वन बार एम टू वन बार एम टू ऐसा, तो ठीक है। अब बताओ स्लोप पता चल गए, अब आपको अगर स्लोप पता है तो दोनों के इक्वेशन भी पता होंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जाने की इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स, लेकिन इनका स्लोप कौन सा माइनस एम वाई वन, y इक्वल टू एम एक्स इसका स्लोप ये लिख दो, सॉल्व करो एम वन इधर आएगा तो क्या होगा एम वन बार ये माइनस एक्स है, एक्स को इधर लाओ तो क्या होगा प्लस एक्स है ना, एम टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो बचा को माइनस एक्स, एक्स को इधर लाओ एक्स प्लस एम टू वाई हो गया। अब बताओ दोनों की इक्वेशन मिल गए, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, बताओ कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, हो गया दोनों का कंबाइंड इक्वेशन, एक्स इंटू एक्स एक्स एम वन, अब एक्स में एक्स इंटू एक्स भी एक्स मल्टीप्लाई करो एम टू एक्स वाई, चलो इसमें करो एम वन एक्स वाई, इसमें इसे करो क्या होगा एम वन एम टू वाई स्क्वायर। अब आप बताइए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई कॉमन निकालो, एक्स वाई कॉमन निकलो तो क्या बचेगा एम टू प्लस एम वन, तो एम वन प्लस एम टू लिख सकते हो ना, और ये जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा। अब आप बताओ आपके पास ये आपको जॉइंट इक्वेशन मिल गया, मिल गया, लेकिन वो थोड़ा सा एम वन एम टू के फॉर्म में, इनकी वैल्यू आपको बताना था एम वन प्लस एम टू की वैल्यू कितनी, माइनस वन, माइनस वन हाँ एक्स वाई, और एम वन एम टू की वैल्यू कितनी जीरो, ये जीरो माइनस वाई, इसकी वैल्यू माइनस वाई देखो उधर, और ये वन टू जीरो बताओ कितना होगा एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये है इनका जॉइंट इक्वेशन, उनका बताए ठीक है करो। फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये लाइंस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस यह 131 पेज नंबर पे क्वेश्चन 4 में सेकंड एग्जांपल आपको पूरा लिखना है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस, वही वैसा ही है सेम, यानी एक जॉइंट इक्वेशन निकालना है और एक जॉइंट इक्वेशन दिया है, और ये जॉइंट इक्वेशन की लाइंस इस जॉइंट इक्वेशन की लाइंस को परपेंडिकुलर, तो कैसे करते हो एम पढ़ रहे हो, पढ़े अब ये तीसरा, तो पहले इस इक्वेशन को लिखना जॉइंट वाले को, मैंने पहले भी बताया अगर आपको ये लाइंस पता होती ना सेपरेटली, सेपरेटली पता होती, जैसे कि अगर ये लाइन आपको पता होती x प्लस फोर वाई, ये दूसरी लाइन पता होती थ्री एक्स प्लस टू वाई, अगर पता होती तो भी ये प्रॉब्लम और ज्यादा इजी होता, इनके स्लोप हम निकाल लेते माइनस वन बाय फोर, और इसका स्लोप निकाल लेते हैं माइनस थ्री बाय टू, माइनस वन बाय फोर माइनस थ्री बाय टू, फिर बताओ ये लाइन्स इसको परपेंडिकुलर थी, इनके स्लोप इनके उल्टे होंगे, वन बाय फोर का क्या होगा फोर, और थ्री बाय टू का टू बाय थ्री, और अगर आपको स्लोप पता चल गए तो लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक इक्वेशन क्या होगा वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स हो गया आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत ये है हमें कि ये लाइन्स हमें सेपरेटली दी नहीं है,
ज्वाइंट इक्वेशन दिया है, इसलिए हम नई मेथड से जा रहे हैं। एक ज्वाइंट इक्वेशन दिया है और दूसरा ज्वाइंट इक्वेशन पता करना, ऐसे प्रॉब्लम है। तो कैसे करते हैं बताओ, एक ज्वाइंट इक्वेशन दिया है ना, उसके स्लोप सब यम1 और यम2 लेंगे। पहले ज्वाइंट इक्वेशन लिख लो, ए की वैल्यू 2, कंपेयर करो 2h की वैल्यू -3, h की -3/2, b की वैल्यू क्या है -9, कंपेयर करो। फिर बताओ यम1 प्लस यम2 कितना होता है -2h/2, -2h की वैल्यू कितनी है -3, b कितना है -9, आंसर कितना है 3/-9 यानी -1/3, 3 1 3 3 3 9। मतलब मामा मामी आई बाबा बन गए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -9, तो -2/9। फिर बताओ रिक्वायर्ड लेंथ बताओ, ये 9 का स्लोप हमने यम1 यम2 बी द स्लोप ऑफ द गिवन लेंथ। बताओ रिक्वायर्ड लेंथ आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लेंथ, ये रिक्वायर्ड लेंथ है परपेंडिकुलर टू द गिवन लेंथ, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ के स्लोप क्या होंगे, इनके स्लोप अगर यम1 यम2 है तो इनके स्लोप क्या होंगे, उल्टे परपेंडिकुलर है, -1/m1 and -1/m2। अब एक बात बताओ, आपको स्लोप मिल गया ना, लाइंस पासिंग थ्रू द रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, y=mx, वही दो स्लोप। इधर लेके जाओ ये इधर माइनस का प्लस, m2y इधर ये -1 इधर है प्लस, बताओ इनका कंबाइंड रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन हो गया कंबाइंड इक्वेशन, x2 m1 x1 और m1 m2 y2, xy कॉमन निकला था m1 + m2। अब आप बताओ m1 + m2 की वैल्यू कितनी है -1/6 और m1 m2 की वैल्यू कितनी है -2/9, x2 + m1 m2 की वैल्यू -1/3 xy m1 m2 की वैल्यू -2/9 y2। अभी काम करिए आप लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 9 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 9x2, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9, अब बोलो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो -2 y2। देखो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 कटेगा ना, तो माइनस इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 3 3 होगा 3x2। बताओ लीनियर टू बी जॉइंट इक्वेशन लेंस का, ठीक है, देखो इसको इसको कंपेयर करो, आप देखो आपको ये जॉइंट इक्वेशन आपको लेंस का पता है, ये पॉइंट नोट करना समझे, 2x2 ये आंसर आ चुका है, हो गया क्लोज, 2x2 - 3xy - 9y2 = 0 है। इन लाइंस को अपनी लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो अपना इक्वेशन कैसे आया बोलो, क्या है आंसर देखो 9x2 - 3xy - 2y2 = 0, यानी इन जॉइंट इक्वेशन को ये जॉइंट इक्वेशन कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन का आंसर देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी हिंट दी थी, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया इतना लंबा चौड़ा सॉल्व ना करते हुए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कैसे देखो, पहले लिखना x2 xy और y2, ये कंपलसरी बराबर, ये दोनों ने क्या इंटरचेंज कर रहा है और बीच वाले का साइन चेंज कर रहा है, ये इंटरचेंज करो -9 इधर साइन के साथ आएगा, -9 इधर और +2 इधर, ये इंटरचेंज होंगे, साइन चेंज नहीं होगा, इंटरचेंज -9 पहले लगाओ और +2 बाद में लगाओ और बीच वाले का साइन चेंज करना, इसे -3 को क्या होगा +3, ये आपका आंसर। लेकिन हमने क्या किया, ये आंसर है लेकिन इसमें साइन चेंज कर दिया, सबके साइन चेंज कर दिया, क्यों, पहला साइन निगेटिव अच्छा नहीं लगता, इसमें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, लेकिन बेसिक मेथड क्या है, x2 xy y2 लिख देना, इंटरचेंज करना, ये वाला कोएफिशिएंट इधर लगाना, y2 का x2 को लगाना, साइन चेंज नहीं करना है, -9 + 2, साइन चेंज करना है बीच वाले का, -3 को +3। अब इसका न लिखते हमने ऐसा क्यों लिखा, ये अपना आंसर है, ऐसा क्यों है, सबके साइन चेंज हो गया है, ये नोट करना अपनी कॉपी में लिखना, ये बहुत जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट।